हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डेनियल। आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑप्शन ट्रेडर पे। तो आज हम करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। तो करते हैं दोस्तों, वन डे की कैंडल पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे। तो वन डे की कैंडल पे हम देखें तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल था जिसको तोड़ के अभी मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। आज जो मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम दिखाया है, आज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर देंगे हम, जो कि रहेगा हमारा 16,275 का। इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया है फ्रेंड्स, और अगर कल ये गैप डाउन गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से ऊपर के मुंह के एक चांसेस बन रहे हैं, जो कि कल हमें देखने को मिल सकते हैं। मार्केट का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 16,510 का। 10 तक मार्केट जा सकता है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 444 का, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 16,805 का। अगर ये यहाँ से ऊपर कल क्लोजिंग दे देता है तो एक अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फिर तो हम यहाँ पे इसका टारगेट मान के चले आ जाएंगे हम 15 मिनट के चार्ट पे। आज मार्केट में देखे तो एक अच्छा सा गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, एंड कंटिन्यूअसली ऊपर की साइड इसने मोमेंटम दिया। ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा या फिर यहाँ से रिवर्स होगा, पर कंटिन्यूअसली मार्केट ने आज अपसाइड का मोमेंटम दिखाया है। एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम है। देखते हैं अभी ये कहाँ तक जा सकता है। इसके लिए हमें बैक साइड में जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे, ये कोर सपोर्ट बन जाएगा हमारा। ओके ठीक है। अगर मार्केट कल 16,275 के ऊपर क्लोज क्लोज रहता है, एंड यहाँ पे गैप अप या स्लाइटली ऊपर होता है यहाँ पे कहीं पे, तो हम इसको अपसाइड के लिए जा सकते हैं। इसके लिए अपसाइड के लिए हम मोमेंटम के लिए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मार्केट ने अगर 16,274 या 64 के ऊपर गैप डाउन ओपनिंग देता है थोड़ा ज़्यादा, तो हम यहाँ से रिवर्स बैक के लिए जा सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ तक रिवर्स हो सकता है। यहाँ से फिर से मार्केट एक अपसाइड का ट्रेंड दिखा सकता है, जिसका टारगेट रहेगा फ्रेंड्स हमारा 16,280 का टारगेट बनेगा यहाँ से, एंड स्टॉप लॉस रहेगा फ्रेंड्स 16,195 का। देखिए एक छोटे से स्टॉप लॉस के एक अच्छा सा टारगेट बन सकता है अपसाइड के लिए। अगर डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है तो हमें 16,227 क्रॉस करके नीचे की साइड जाने देना पड़ेगा, तब एक हमारा डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। ये कंटिन्यूस एक अपसाइड के मोमेंटम में है। देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी को। आज बैंक निफ्टी को देखे फ्रेंड्स तो एक अच्छा खासा अपसाइड का ट्रेंड इसने दिखाया है। यहाँ पे देखे तो फ्रेंड्स इसका या इसने यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनाया था, उसके बाद इसने कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम दिखाया है। अगर कल का देखे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको हम मार्क कर लेंगे। अगर ये कल 35,400 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट दे सकता है फ्रेंड्स ये वाला, जो कि है 35,539 के। अगर ये 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा सा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 36,000 तक भी जा सकता है इस एक्सपायरी में। अगर ये कहीं गैप डाउन ओपनिंग देता है फ्रेंड्स, अगर ये यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग देता है तो ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है, जो कि लेवल रहेगा हमारा 35,021 के आस। 35,000 का सपोर्ट मान लीजिए, 35,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, एंड 35,400 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस निकलता है तो हमें इमीडिएट 100 पॉइंट का टारगेट या 150 पॉइंट का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। एंड डाउन साइड में अगर यहाँ कहीं पे हमें एंट्री करने को मिलता है तो हम बाई साइड में जा सकते हैं। अगर हमें सेल साइड के अंदर जाना है तो हमें 35,000 के नीचे ही एंट्री बनती है यहाँ पे। 35,000 के नीचे जाएगा तभी हम स्ट्रॉन्ग सेल के जा सकते हैं, बाकी मार्केट बुलिश अभी सेल नहीं कर सकते हम। आप हमें यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम सोच के चलना है अभी।
थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट होके यहाँ से रिट्रेस करके फिर से अप साइड का मोमेंटम दिखा सकते हैं, तो हम हो सके तो यहाँ कहीं पे बाय करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे बाय करना यानी कि हमारे स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे फ्रेंड, तो यहाँ से रिवर्सल आता है तो हम यहाँ कहीं पे बाय कर सकते हैं, जो कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो कि स्विंग का लो बना है वो। तो एक छोटे के स्टॉप लॉस के साथ हम बैंक निफ्टी में और निफ्टी में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिख सकता है, एंड हमें अगर बाय करना है तो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट के बाद हम बाय कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।